टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ कोहली का धमाका, 50 पूरी। पांड्या ने भी मचाई तबाही, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 169 रनों का टारगेट। टी20 वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड मैच के लिए इंडियन फैंस का दिखा जोश हाई, ढोल की धुन पर इंडियन फैंस ने जमकर डांस किया। एडिलेड में तिरंगा लेकर उमड़ा इंडियन फैंस का हुजूम, क्रिकेट ग्राउंड के बाहर जमकर थिरके इंडियन फैंस। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह, यूपी के बलिया में महिला प्रशंसकों ने की महाआरती। भारत इंग्लैंड मैच को लेकर यूपी के सीतापुर में हवन पूजन किया गया, राम सीता मंदिर में भी की गई भारत की जीत की कामना। देहरादून में इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच को लेकर फैंस में जोरदार उत्साह, इंडिया की जीत की दुआ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कर रहे फैंस, डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ेंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी ने किया डिंपल के नाम का ऐलान, 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव। आजम खान के हेट स्पीच मामले में सेशंस कोर्ट में सुनवाई, मामले को लेकर बहस पूरी, आजम की विधायकी रहेगी या जाएगी, शाम 4 बजे के बाद आएगा फैसला। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में यूपी कर रहा ग्रोथ इंजन के रूप में काम, सीएम योगी से ईरान के राजदूत ने की मुलाकात, यूपी ग्लोबल समिट को लेकर हुई चर्चा, सीएम ने गिफ्ट किए ODOP प्रोडक्ट। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का औचक निरीक्षण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मारा छापा, औचक निरीक्षण में सामने आई कई खामियां। डेंगू के खिलाफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छेड़ी मुहिम, दवा छिड़काव के लिए 400 से ज्यादा वाहनों को दिखाई हरी झंडी, डिप्टी सीएम ने कहा आप सभी की पीड़ा मेरी पीड़ा है। पूर्व सांसद और बिल्डर संजय सेठ को LDA से नोटिस, शालीमार इमराल्ड में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस, आज साक्ष्य प्रस्तुत करने के दिए निर्देश। गाजियाबाद आगरा इलाहाबाद गोरखपुर में भी बनेंगे कमिश्नरेट, DGP ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव, हाल ही में नए कमिश्नरेट गठन को लेकर हुई थी चर्चा। यूपी के सीतापुर में मदरसों के सर्वे को लेकर बड़ा खुलासा, जांच में गैर मान्यता वाले 174 मदरसे मिले, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने जिलाधिकारी को सौंपी रिपोर्ट। रामपुर में BSP नेता इमरान मसूद का BJP सपा पर हमला, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हितैषी नहीं, मुसलमानों का विकास BJP के बस की बात नहीं। आगरा में HMA ग्रुप पर IT की रेड, 100 घंटे बाद चौंकाने वाले हुए खुलासे, ग्रुप ने 100 करोड़ की अघोषित आय की सरेंडर, प्रॉपर्टीज के कागजात समेत कई सबूत जब्त। रायबरेली के परशेदपुर कस्बे में ऑटो पार्ट शॉप में लगी आग, लाखों का सामान चलकर खाक, दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में कुत्तों का आतंक, 2.5 साल के बच्चे को कुत्ते ने काटा। फरुखाबाद में फीस न जमा होने पर शिक्षक ने छात्र को पीटा, सरिया और डंडों से की पिटाई, छात्र को आई गंभीर चोट, घटना के विरोध में साथी छात्र पहुंचे थाने। कानपुर में आस्था के मंच पर परोसी गई अश्लीलता, बार बालाओं ने लगाए ठुमके, मंच पर कई नेता भी मौजूद रहे। फतेहपुर के शिवराजपुर गांव के प्राचीन मेले में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, पुलिसकर्मी भी कर रहे थे डांस, वीडियो वायरल। जालौन में भूमाफियाओं का आतंक, JCB लेकर पहुंचे भूमाफिया ने जमीन पर किया कब्जा। कानपुर देहात के सर्विस लेन पर अचानक असगर निकलने से राहगीरों में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने किसी तरीके से असगर को पकड़ा। सहारनपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग, घरवाले घर छोड़कर भागे, पुलिसकर्मियों ने जान जोखिम में डालकर बुझाई आग। जालौन में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी, गाड़ी सवार महिलाओं और बच्चों को आई चोट। सहारनपुर में चोरों ने किया लग्जरी गाड़ी पर हाथ साफ, CCTV कैमरे में कैद हुए चोर। कौशाम्बी में 2 शातिर ठग गिरफ्तार, नोट की जगह कागज की गड्डी लेकर लोगों के साथ करते थे ठगी, आरोपियों पर 20,000 का इनाम था घोषित। महाराजगंज के युवक ने फेसबुक पर लाइव काटा गला, हालत गंभीर, प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से खफा था युवक। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके से लापता 3 साल के बच्चे को पुलिस ने किया बरामद, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार, बच्चे के परिवार ने गाजियाबाद पुलिस को कहा धन्यवाद। कौशाम्बी में जिला कोर्ट में BJP के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा, दोनों पर 25,000 का लगाया जुर्माना, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। बरेली विकास प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट में बने अवैध रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई, 2 मंजिला अवैध रेस्टोरेंट को किया गया जमींदोज, बना इजाजत, यहां किया गया था अवैध निर्माण। कानपुर देहात में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, जिला अस्पताल पहुंच रहे बुखार के सैकड़ों मरीज, अब तक 16 लोगों में डेंगू की पुष्टि।
संभल में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 बाइक, 3 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से सनसनी, आरोपियों ने हत्या कर शव को खेत में फेंका। मामले की जांच कर रही है पुलिस। घर के बाहर से गाड़ी लेकर चोर हुआ फरार, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। आगरा में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज है 15 मुकदमे, वाहन चोर गिरोह का सदस्य है आरोपी। जालौन में नशे में धुत कार सवारों की दबंगई, पेट्रोल पर कर्मचारियों से हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंदौली में 22 गौवंश को पुलिस ने कराया मुक्त, 3 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा ट्रक। कौशाम्बी में पुलिस ने 2 शातिर ठग को किया गिरफ्तार, रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों को बनाता था शिकार, ठगों पर 20,000 रुपए का इनाम था घोषित। गाजीपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी बदमाश को किया गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाश के साथी को भी गिरफ्तार किया। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन टूटकर गिरने से हादसा, 6 भैंसों की मौके पर ही मौत, किसान भी गंभीर रूप से जख्मी। फिरोजाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में छत से प्लास्टर टूटकर नीचे गिरा बाल बाल बचे मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज, सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बिजनौर में बंदरों का आतंक, महिला के ऊपर बंदरों ने किया हमला, हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज में पत्नी ने मोबाइल नहीं दिया तो शराबी पति ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया ड्रामा, पुलिस के समझाने के बाद शराबी युवक टावर से नीचे उतरा, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। ताजमहल से 500 मीटर के दायरे में बनी दुकानें और घर नहीं हटेंगे, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। हाथरस में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित 6 लोग हुए जख्मी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। कौशाम्बी में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में दूल्हा समेत 7 लोग जख्मी, सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बाराबंकी में हाईवे पर ट्रक लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 आरोपी अभी भी फरार। बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में एक मकान को चोरों ने बनाया निशाना, ताले तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। कुशीनगर में एटीएम से फ्रॉड करने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी दिल्ली में भी करता था फ्रॉड, आरोपी के पास से फर्जी सिम कार्ड और कार बरामद। बहराइच के थाना दरगाह इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में 3 लोग झुलस गए, सभी को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मुरादाबाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य मतलूब के खिलाफ केस दर्ज, लापता लड़कियों के घर वालों से वसूली का आरोप, लड़कियों की कॉल डिटेल निकलवाकर वसूली का आरोप। बलरामपुर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, मुठभेड़ के बाद दोनों की हुई गिरफ्तारी, लुटेरों के पास से अवैध असलाह बरामद। जौनपुर के लाल का कमाल, किसान के बेटे ने पूरा किया सपना, अपनी कार को बना दिया हेलीकॉप्टर। कासगंज में 2 पक्षों में विवाद, विवाद के दौरान हुई फायरिंग, एक युवक की हालत गंभीर। कानपुर में लापता बेटे की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है बुजुर्ग मां, बेटे की तलाश की लगा रही है गुहार, 20 अगस्त से गायब है बेटा। मुरादाबाद में लालपुर गंगवारी गांव के लोग बने मिसाल, माइक लगाकर किसानों से की पराली ना जलाने की मांग। संभल में सरकार के आदेशों की उड़ी धज्जियां, ट्रैक्टर ट्रॉली में खचाखच भरकर गंगा घाट पहुंचे श्रद्धालु। लखनऊ में स्टंट कर रहे बाइकर्स पर शिकंजा, मॉर्निंग वॉक के समय कई गाड़ियों से युवक कर रहे थे स्टंट, स्टंट बाजों को देखकर जेसीपी पीयूष मार्डिया ने की कार्रवाई। अलीगढ़ में चचेरे भाई ने किया बहन के साथ दुष्कर्म, युवती ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में विद्युत संविदा कर्मी की मौत, ग्रामीणों ने किया बिजली घर का घेराव। कानपुर में दबंगों ने की युवक की पिटाई, कार्तिक पूर्णिमा के मेले में मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में जिला प्रशासन की सराहनीय पहल, जिले के डीएम एसएसपी ने कार्तिक भोज का आयोजन किया, खुद परोसा भोजन। फिरोजाबाद में आज बिन मौसम आई बरसात, फसल को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें।
हाथरस के तालाब चौराहे पर रुपयों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में बेखौफ दबंग, बेखौफ दबंगों ने न्यायाधीश को बनाया निशाना। कौशाम्बी के गांव तैयबपुर में एक महिला से गलती से खेत में गया पानी, कुछ महिलाओं ने जमकर की पिटाई। फरुखाबाद में फीस ना जमा होने पर टीचर ने छात्र को पीटा, सरिया और डंडों से की पिटाई। बाराबंकी में पहिए में फंसा बंदर, टायर खोलकर बंदर को निकाला गया बाहर। बाराबंकी में खेत पर काम करने जा रहे लोगों को जहरीले सांप ने दौड़ाया, लोगों को दौड़ाने के बाद झाड़ियों में घुसा जहरीला सांप, ग्रामीणों ने झाड़ियों में लगाई आग। बिजनौर में विवेक कॉलेज के छात्रों ने लगाया प्रबंधन पर गंभीर आरोप, बैक पेपर कराने के नाम पर की जा रही जबरन वसूली। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। ललितपुर में चिटफंड कंपनी की ठगी का शिकार बने ग्रामीण, ग्रामीणों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन, पीड़ित ग्रामीण ने की आत्महत्या की कोशिश। पांच विभूतियों को मिला उत्तराखंड गौरव सम्मान, प्रसून जोशी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी मिला उत्तराखंड गौरव सम्मान। पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली पहुंची शीतकालीन गद्दी, मक्खू मठ में विराजमान हुई भगवान की डोली, आज से शुरू हुई शीतकालीन पूजा। बागेश्वर के कांडा को ब्लॉक का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण हुए लामबंद, लोगों ने जिला मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, संघर्ष के लिए लिया संकल्प। शराब तस्करों के खिलाफ अल्मोड़ा पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया, 258 बोतल शराब बरामद। काशीपुर में सराफा व्यापारी से मांगी जा रही रंगदारी, रंगदारी मामले को लेकर एसएसपी से मिले सराफा व्यापारी, आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बागेश्वर में एलटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर आक्रोश, एक दिवसीय भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी। देहरादून में टावर पर चढ़े छात्रों की मांग, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, जेवी महाविद्यालय के पास दो अलग अलग टावर पर चढ़े छात्र, महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करने की छात्र कर रहे मांग। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 300 से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ अपनाया बौद्ध धर्म, आयोजक ने दिया विवादित बयान, कहा भारत ना तो कभी हिंदू राष्ट्र था और ना ही कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी बहुत खराब, दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंचा, प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू के त्रिकुटा नगर में आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, जैश के तीन आतंकी गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इस साल 177 आतंकियों का किया सफाया। गृहमंत्री अमित शाह ने आईबी अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, काउंटर टेररिज्म और आतंकी सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, बीजेपी की पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ओवैसी की पार्टी को कर्नाटक में हुबली ईदगाह मैदान में मिली टीपू जयंती मनाने की इजाजत, श्रीराम सेना समेत हिंदू संगठनों ने किया मंजूरी देने का विरोध। असम में प्राइवेट मदरसों पर कसा शिकंजा, 1 दिसंबर तक देना होगा पूरा ब्यौरा, सरकारी पोर्टल में अपलोड करने होंगे सभी दस्तावेज। पाकिस्तान में आज से फिर शुरू होगा इमरान खान का लॉन्ग मार्च, वजीराबाद में जिस जगह चली थी गोलियां वहीं से शुरू होगा मार्च। पाकिस्तान के पूर्व पीएम, इससे पहले पीएम शहबाज शरीफ, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल नसीर पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा चुके हैं और दूसरे अधिकारी के नाम का खुलासा करने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर COP27 में की पाकिस्तान के लिए मुआवजे की मांग, देश में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए मांगा मुआवजा, कहा हम मदद नहीं न्याय चाहते हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसोन से की वापसी, रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सेना को दिए खेरसोन शहर से हटने के आदेश, खेरसोन शहर में आपूर्ति बनाए रखने में असक्षम रूस। रूसी ड्रोन्स को गिराने के लिए यूक्रेन में घरों में ही तैयार किए जा रहे हथियार, माइकोलेव के एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन लगभग 80% रूसी ड्रोन्स को गिराने में रहा कामयाब। ब्रिटेन सर्दियों के दौरान यूक्रेन सैनिकों के लिए बढ़ाएगा सहयोग, 12,000 स्लीपिंग किट देने का किया ऐलान। चीन अमेरिका वार्ता को बाधित करने के लिए चीन ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार, कहा यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने चीन के लोगों की भावनाओं को आहत किया, औपचारिक वार्ता फिर शुरू करने के लिए अमेरिका से किया आग्रह। ग्रीस में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, संसद के सामने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया टियर गैस का इस्तेमाल, पुलिस हिरासत में 10 से ज्यादा प्रदर्शनकारी।
ब्रिटेन में किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला पर एक शख्स ने फेंका अंडा, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। घटना में किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी सुरक्षित निकले। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा कार्गो क्राफ्ट सिग्नस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाया गया करीब 4000 किलो कार्गो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।